असलम वीवर्स वेलकम टू माई YouTube चैनल सो गाइज थ्री ब्लैक क्रोस के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है और चार्ट के अंदर अगर आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर जाते हो तो मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफ़िट बना सकते हो क्योंकि ये आपको एक ट्रेंड रिवर्सल की एंट्री देता है और आप लोगों को अगर ट्रेडिंग आती है तो आपको पता होगा कि ट्रेंड रिवर्सल पे अगर आप लोगों को कोई सिग्नल मिल जाता है तो आप लोग उससे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो मार्केट के अंदर सो तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा गौर से समझिएगा हर बात को और मेरे चैनल पर अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल टेक गैलिया को सब्सक्राइब कर दें और बेलाइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नहीं आने वाली वीडियो आप लोगों तक ईजीली पहुँच जाया करें तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं मेरा नाम है वसी खान और थ्री ब्लैक क्रोस के बारे में बात करते हैं थ्री ब्लैक क्रोस बेसिकली एक ट्रिपल कैंडलिस्टिक पैटर्न है जो कि आप लोग चार्ट के अंदर कैंडलिस्टिक्स को देखकर कर आइडेंटिफाई करते हो अब थ्री ब्लैक क्रोज़ की आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर शो हो रही होगी जिसमें आप लोगों को तीन कैंडल्स नज़र आ रही हैं जिसको हम थ्री ब्लैक क्रोज बोलते हैं अब ये कैंडल्स का पैटर्न कुछ इस तरह है कि एक के बाद एक कैंडल बनी है उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनी है मतलब तीन कैंडल्स बनी हैं और तीनों कैंडल्स के साइज़ को अगर आप लोग देखें इसकी बॉडी बिग है ठीक है और इसकी जो शेडोज़ हैं जिसको हम विक्स बोलते हैं वो स्मॉल है ठीक है तीन कैंडल्स हैं अब इन कैंडल्स की बॉडी जो है वो बड़ी होना लाजमी है इसकी विक्स अगर नहीं भी होती या अगर होती भी है तो मैटर नहीं करता ठीक है लेकिन इसकी बिग बॉडी होना लाजमी है फर्स्ट ये चीज़ आप लोगों को देखनी है अब इस कैंडलिस्टिक पैटर्न में आप लोगों को दूसरी बात जो है वो क्या देखनी है दूसरी चीज़ आप लोगों को देखनी है कि ये कैंडलिस्टिक पैटर्न जो है तीन कैंडल्स को मिला के बनता है अब जो फ़र्स्ट कैंडल बनी है उससे नेक्स्ट कैंडल अगर आप लोग देखें आप लोगों ने ये चीज़ नोट करनी है कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो अपनी क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे दे रही है या नहीं दे रही तो गाइज़ आप लोग देख सकते हो कि इस पैटर्न के अंदर नेक्स्ट कैंडल अपनी क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के लो के बिलो दे रही है ठीक है उससे भी नेक्स्ट कैंडल को आप लोगों ने देखना है अगर वो भी प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे अपनी क्लोजिंग दे रही है तो इट विल बी द एक्कोरेट थ्री ब्लैक क्रोज पैटर्न अब इसको थ्री ब्लैक क्रोज़ क्यों कहते हैं तीन काले कौए उर्दू या हिंदी में अगर आप लोग इसकी ट्रांसलेशन करें तो इट मींस कि तीन काले कौए अब तीन काले कौ क्यों यार क्योंकि ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है आप लोगों को चार्ट के टॉप में नज़र आता है और चार्ट के टॉप में जब आप लोगों को नज़र आता है तो आपको एक आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि यहाँ से मार्किट नीचे गिरने वाली है और जब मार्केट नीचे गिरती है बियरिश मार्केट हम लोग देखते हैं तो मार्किट में भाई धमाका होता है और क्रैश आता है मार्केट के अंदर इन सिंपल वर्ड्स सो दैट्स वाई इट इज़ गार्ड थ्री ब्लैक क्रोज पैटर्न अब गाइज बात यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट मैं करने जा रहा हूँ कि अगर आप लोगों को ये कैंडलिस्टिक पैटर्न चार्ट के बॉटम में अगर नजर आता है तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी तो गाइज सिंपल सी बात है थ्री ब्लैक क्रोज पैटर्न जो है वो आपको हमेशा चार्ट के टॉप में अगर नज़र आए तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है सेल की एंट्री लेनी है अगर टॉप के अलावा आपको अगर बॉटम में नज़र आता है तो आप लोग वहाँ पर अपनी ट्रेड नहीं लोगे मार्केट में एंट्री नहीं लोगे बिकॉज़ ये एक आप कह लें कि बियरिश ट्रेंड का हमें एक आइडेंटिफिकेशन देता है बियरिश ट्रेंड का सिग्नल देता है हमें कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाली है आप लोग सेल लो की एंट्री मार्केट में ले लो तो वहाँ पर आप लोग मार्केट में सेल की एंट्री लोगे ना कि अगर आपको बॉटम में नज़र आए तो आप लोगों ने इसके ऊपर ट्रेड नहीं करनी सो दैट्स इट अब एक और इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि अगर हमें चार्ट के दरमियान में कहीं पे नज़र आ जाती है ये पैटर्न तो हम लोग ट्रेड लेंगे या क्लोज़ करेंगे क्या करेंगे तो अगर तो आपके वो चार्ट के दरमियान में ये कैंडलिस्टिक पैटर्न अगेन नज़र आ जाता है अगर आपकी ट्रेड चल रही है तो आप लोग उस जगह पर ट्रेड कंटिन्यू रखोगे क्योंकि अगेन ये आपको सिग्नल देता है कि मार्केट अभी और नीचे गिरने वाली है आप लोग यहाँ पर ट्रेड कंटिन्यू रखें आई होप गाइज कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी अब बात करते हैं इसके कलर्स के बारे में कि कैंडल्स के कलर रेड होंगे ग्रीन होंगे या किस तरह होंगे? So, के होंगे सो कैंडल्स के कलर्स जो तीन कैंडल्स थ्री ब्लैक क्रोज आपको नज़र आएंगी चार्ट के टॉप पे टॉप पर उन तीनों के कलर्स रेड होना लाजमी है रेड कलर की होनी चाहिए और रेड ही होंगी ठीक है तभी वो थ्री ब्लैक रोज कैंडलिस्टिक पैटर्न कहलाएगा अदरवाइज़ अगर उसमें से एक भी ग्रीन होती है या तीनों ग्रीन होती हैं तो वो थ्री ब्लैक रोज़ पैटर्न नहीं होगा अभी मैं आपको चार्ट के ऊपर लेकर चलता हूँ और आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ अगर मुझे चार्ट के ऊपर कहीं नज़र आती है तो ये पैटर्न बहुत ही ज़्यादा गैज पावरफुल है और मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूँ आप तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा मिल सके क्योंकि भाई हमें काफ़ी ज़्यादा मैं मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ लेकर आता हूँ तो आपका भी बनता है यार कि आप लोग चैनल को तो कम अज़ कम सब्सक्राइब कर दिया करो यार और वीडियो को लाइक कर दिया करो तो यहाँ पर गाइज आप लोगों को ये सामने एक थ्री ब्लैक क्रोज कैंडलिस्टिक पैटर्न यहाँ पर शो हो रहा है ठीक है अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर गायज आप लोग देखो तो चार्ट के टॉप में हमें ये तीन कैंडल्स देखने को मिली हैं ठीक है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीन कैंडल्स हमें देखने को मिली है पहली कैंडल को अगर आप लोग देखें आइडेंटिफाई करें तो इसकी बिग बॉडी है स्मॉल शेडोज़ हैं विक्स जिसको हम बोलते हैं जो लाइन्स सी आपको नज़र आ रही है सेकेंड कैंडल को देखें तो इसकी भी आप लोग देखें तो इसकी जो ओपन प्राइस है वो आप लोग चेक कर सकते हो कि प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के बिल्कुल नीचे है ठीक है और जो इसकी जो क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस इसकी प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग के बिलो है और जो इसकी क्लोजिंग प्राइस है वो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे है बिलो है इट मीनस कि ये भी कैंडल एकोरेट है अब नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं तो इसी तरह भाई ए, इसकी भी एक बिग बॉडी है और दो स्मॉल शेडोज़ हैं और ये भी इस अपनी ओपनिंग प्राइस जो है इसकी वो प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के बिलो है और इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे है इट मीन्स के तीन कैंडल हम लोगों ने चार्ट के टॉप में आइडेंटिफाई कर ली हम लोगों को यहाँ पर एक सिग्नल मिल गया कि मार्केट नीचे गिरने वाली है अभी मैं चार्ट को थोड़ा सा क्लोज़ करके दिखाता हूँ यहाँ पर गाइज़ आप लोग चेक कर सकते हो कि यहाँ पर चार्ट के टॉप में हमें ये तीन कैंडल्स देखने को मिली हैं अब मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी हम लोगों को ये सिग्नल मिल गया तो यहाँ पर गाइज आप लोग जब तीसरी कैंडल आप लोगों को मिल जाए ये कन्फर्म हो जाए आप लोगों को पैटर्न तो आप लोग उस जगह पे मार्केट में अपनी एंट्री लोगे एंट्री लेने ले के बाद जो मेन चीज़ होती है वो स्टॉप लॉस होती है कि हम लोग अपना स्टॉप लॉस किस जगह पर लगाएंगे तो स्टॉप लॉस गाइज़ आप लोग थ्री ब्लैक क्रॉस की जो फर्स्ट कैंडल है मतलब यहाँ पर लगाओगे उसके टॉप पे लगाओगे ठीक है उसके हाई पर लगाओगे यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर आप लोग एंट्री लगाओगे ठीक है मार्केट के अंदर अब नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग मार्केट को चेक कर सकते हो कि मार्केट थोड़ी सी बैक हुई है उसके बाद ठक करके नीचे से नीचे आ गई है ठीक है यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो अब इसमें बात आ जाती है रिस्क टू तो रिवॉर्ड रेशो हमारा कितना रहेगा तो यहाँ पर आप लोग गाइस वन रेशो थ्री अपना रिस्क टू तो रिवॉर्ड रेशो रख सकते हो और अगर कहीं आपको चार्ट के दरमियान में यहाँ पर किसी जगह पर अगर नज़र आ जाती है दोबारा ये थ्री ब्लैक रोज़ पैटर्न अगर नज़र आ जाता है तो आप लोग वहाँ पर ट्रेड कंटिन्यू रखोगे क्योंकि वो एक सिग्नल होता है मार्केट में कि मार्केट मज़ीद आगे नीचे गिरने वाली है अभी मैं थोड़ा सा बैक और जाता हूँ कोई और पैटर्न ढूंढते हैं तो ये जी यहाँ पर साथ ही मुझे एक और पैटर्न मिल गया है थ्री ब्लैक रोज़ का यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो अगेन तीन कैंडल्स हमारे पास बनी है ठीक है सेम पैटर्न है और चार्ट के टॉप में हमें देखने को मिला है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका इन जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है अगेन आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर रहेगा चार्ट के टॉप में आ, मतलब जो फर्स्ट कैंडल है थ्री ब्लैक क्रॉस पैटर्न की उसके टॉप पे उसके हाई पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा मार्केट में एंट्री आपकी इस जगह पे बनेगी और मार्केट देखें आप लोग कैसे नीचे गिरी है अभी यहाँ से थोड़ा सा और बैग चले जाते हैं हो मे भी कोई और पैटर्न भी इस तरह का मिल जाए तो यहाँ पर अभी मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मुझे मिलता है कोई टॉप में तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लेकिन बात यह है कि आप लोग यार काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें तो यहाँ पर गाइज़ अगर आप लोग चेक करें तो यहाँ पर तीन कैंडल्स हमें और देखने को मिली हैं जो कि थ्री ब्लैक क्रोज कैंडलिस्टिक पैटर्न बना रही हैं और यहाँ पर अगर हम मार्केट में एंट्री अपनी लेते हैं चार्ट के टॉप में बिल्कुल हमें ये देखने को मिल रही है चार्ट के टॉप में अगर हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं अपनी जो थ्री ब्लैक क्रोज़ की फ़र्स्ट कैंडल है उसके ऊपर अगर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं हाई के ऊपर एंड नेक्स्ट जो थ्री कैंडल्स टू बनी हैं वहाँ पे जब हमारे कंफर्मेशन हो जाती है वहाँ पर अगर हम एंट्री लेते हैं तो आप लोग प्रॉफिट को इमेजन कर सकते हो यहाँ पर बल्कि देख ही सकते हो कि मार्केट किस लेवल तक नीचे गिरी है तो आई होप गाइज कि आप लोगों को ठीक से अच्छे से ये पैटर्न समझ में आ गया होगा कैनलिस्टिक्स को रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉटेंट है क्योंकि आप लोग अगर ट्रेडर हो ट्रेडिंग करते हो या शौक रखते हो ट्रेडिंग का तो किसी भी चीज़ का है सिर्फ ट्रेडिंग का नहीं आप लोगों को उसकी रीडिंग करनी चाहिए उसको लर्न करना चाहिए उसकी स्टडी करनी चाहिए कि ये कैसे वर्क कैसे करता है ठीक है जब तक आप लोग उसको सीखोगे नहीं किसी चीज़ को तब तक आप लोग कभी भी मार्केट के अंदर प्रॉफिट नहीं बना सकते ये हंड्रेड परसेंट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को अगर आप लोग कहोगे कि मेरा तुक्का लग जाएगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो वो सारी फजूल बातें बातें हैं सो दैट्स वाई सबसे पहले सीखें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ एंड देन ट्राई टू ट्रेड अगर अच्छा ट्रेडर बनना है आप लोगों को तो और अगर लूज़र्स बनना है अगर अपने पैसे ज़ाया करने का शौक़ है तो भले ही यार आप लोग ना देखा करें ना सीखें ठीक है उसमें आपका ही नुकसान है उसमें किसी और का कोई नुकसान नहीं है किसी यूट्यूबर का नुकसान नहीं है या किसी सीनियर ट्रेडर का कोई नुकसान नहीं है ठीक है सो दैट्स वाई आई ऑलवेज़ सजेस्ट यू टू लर्न फर्स्ट एंड ट्रेड आफ्टर लर्निंग सो so गाइज़ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक इजीली पहुँच जाया करे। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़